और ये बेटा ड्राइवर हमारा भाई है छोटा चौकी टिकलू भाई। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ पीयूष और आप देख रहे हो PCDXYZ। तो दोस्तों यार अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं तो गाइस 5 बजे से पहले उठ चुका था क्योंकि गांव में हूँ तो भैंस है हमारे, दूध निकालने गया हुआ था। दूध निकाल के अब आ चुका हूँ तो चाय बन रही है तो मैं जाऊँगा अभी चाय पीने के लिए। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ हमारे बाड़े में, बाड़ा बोले तो कर। और ये यहाँ पे ये हमारी जोनी मस्ती कर रही है, आप देख सकते हो। क्या हुआ, इधर हाथ मिला दो। हाथ मिला नहीं, मिला रही है हाथ नहीं मिला रही है। सुबह सुबह बहुत मस्ती करती है ये। हाथ मिला, हाथ मिला दे जल्दी, हाथ मिला। ये आ चुकी है हमारे पास में, हाथ मिला जल्दी, सही मिला। ये वाला हाथ मिला, ये वाला, ये दूसरा वाला, ये वाला उड़ दे। हाँ यस शाबाश, चल जा। क्या ये ले जाएगी लकड़ी, ले जा, ये पक गई। तो गाइस बहुत मस्ती करती है सुबह सुबह। तो हेलो गाइस, ये है हमारा भाई, बहुत ही छोटा है, इतनी हाइट है इनकी। और उम्र क्या है, तेरी उम्र कितनी है लगभग? 15 साल। बता। 10 साल। 10 साल 12 साल की उम्र है और ये ट्रैक्टर चलाता है भाई साहब। ये ट्रैक्टर को इतना स्पीड और इतनी मतलब घुमा देता ट्रैक्टर को ऐसे ऐसे जितना। तो यार ये देखो कितनी है, बहुत ही अच्छे से ट्रैक्टर चला लेता है। इससे छोटा भाई ये है, पवन इसका नाम है और इसका नाम हेमंत है। तो गाइस ट्रैक्टर ही अब चला के बताएगा आपको। चल ले जा भाई ट्रैक्टर को। ये देखो भाई चालू कर दिया ट्रैक्टर को इसने। ये देखो ये चला गया ट्रैक्टर लेके। तो गाइस यार इतनी छोटी सा उम्र है अभी और ये ट्रैक्टर चला लेता है, कोशिश करता है लेकिन इसे अभी ट्रैक्टर नहीं, गाड़ी को थोड़ी थोड़ी सी चला लेता है ये इतनी सी उम्र में। हमारे यहाँ पे छोटे सी उम्र में ही क्लाइंट बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े। तो यार ये है जोनी हमारी, इसको भी बहुत शौक है ट्रैक्टर में बैठने के लिए। इसको अगर बोल दिया जाए कि चल ट्रैक्टर पे बैठते हैं तो इसको बहुत शौक है, भगते भग के जाती है, सबसे पहले यही बैठेगी। और बहुत जिद करती है ऊपर बैठने के लिए, चढ़ती है बार बार, बट हम इसे कम बिठाते हैं क्योंकि गिर जाए इसलिए। सो यार गाइज, हम यहाँ पर अभी एक डोली पर बैठे हैं जो कि बढ़िया सी धूप आ रही है और हम धूप सेक रहे हैं, बहुत ही अच्छी धूप आ रही है। और ट्रैक्टर चला लेता है, बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। और ये बारह बारह लेके आ जाता है खेत से, और कल्टी इसको कम आती है, कल्टी कम चलाता है ये, और ट्रैक्टर ट्रैक्टर तो चलाता है। क्या करता है? फुल चला लेता कल्टी भी। अच्छा ये बोल रहा कल्टी भी फुल चला लेता हूँ लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो ट्रैक्टर किसने सिखाया तेरे को? पीयूष ने, इसने। मैंने इसको ट्रैक्टर सिखाया था, इतना था ना इसके जितना जब मैंने इसको ट्रैक्टर सिखा दिया था। और अब ये फुल चला लेता, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको भी सिखाना है तो अब इसको भी हम सिखाएंगे धीरे धीरे, सबको सिखा देंगे ट्रैक्टर। बैठ ऊपर, बैठ, चढ़ ऊपर, इधर आ, अडिला अडू, चढ़ चढ़, हाँ चढ़ चढ़। ये देखो ये चढ़ने के लिए, मैंने बोला नहीं इसको बहुत शौक है चढ़ने के लिए, ये कोशिश कर रही है लेकिन चढ़ा नहीं जाता, इसको नहीं चढ़ाएंगे। वाह रहने दे, आ जा इधर आ जा। गेंद कहाँ है? गेंद गेंद गेंद, ये देखो ये गेंद बहुत शौक है इसको, ये लेके भग गई। हाँ जा तू भग जा, जा वापस मत आना। सो यार दोस्तों, हमारे पशु के लिए ये पीछे जो होल बना रखा है हमने, इसमें खाखला और कुट्टी पड़ी रहती है। ये हरा चारा है जिसकी कुट्टी हो चुकी है, ये मशीन है आप देख सकते हो, ये मशीन है जिससे कि इसके अंदर ये ब्लेड लगी हुई है, इस ब्लेड से जो है हमने कुट्टी कर दी है हरा चारा की। अभी विजेस्ट ये ढेर लगा दिया है। तो यार इतना काम तो हो चुका है, वापस अब इनको डाला है। देखो भैंस आराम से बैठी बैठी खा रही है, ये देखो बैठी बैठी खा रही है आराम से, खा लेते हैं। तो यार दोस्तों अब हो चुका है टाइम 4:30 और मैं दूर रहा हूँ गाय। ये हमारी गाय है, अब इसे मैं दूंगा ये बाल्टी, देख लो आप। अब मैं धोने वाला हूँ गाय, चलिए धोता हूँ, स्टैंड नहीं है वरना आपको बताता कि कैसे धोते हैं, हाथ में पकड़ूंगा दूंगा किससे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी मैं मेरे खेत पे हूँ।
तो यार गाइस खेत पे क्यों आया हूँ मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा बहुत खेत का नज़ारा भी दिखा देता हूँ आपको कि यार पहले जो वीडियो बनाया था वो अलग जगह का था, ये अलग जगह है, वो अलग कुआ था, ये अलग कुआ है, और पीछे ये फसल देख रहे हो, ये कपास की फसल है, जो कि अभी यार इसके अंदर कुछ कुछ कपास हैं और कुछ मतलब फसल तो ख़त्म हो चुकी है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। इधर आप देख सकते हो कि यार ये जो है ये डंडी आप देख लो अच्छे से, ये पक चुकी है, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो इसको पिलाने की ज़रूरत है, ना कोई ज़रूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए इसको, अब बस काटेंगे डायरेक्ट, जो कि ये 10-15 दिन में ये कट जाएगी। तो ये सारे कपास है पीछे आप देख रहे हो, और ये भी कपास है, इस ये फसल को इसको तो काट दी गई है, बिल्कुल ये सूख गई थी, इसको तो काट दी गई, उसको भी काटेंगे बाद में, वो मेरे बड़े पापा की है, ये हमारी हैं, तो उस तरफ रेड़ा भी है, तो उस तरफ ले चलते हैं आपको रेड़ा दिखाते हैं। तो यार दोस्तों ये है बरसी, जो कि पशु के लिए खाने के लिए मतलब चारा है, नीला मतलब हरा चारा है, जो कि पशु गाय भैंस खाती है इसको, तो इसके लिए बोर का है, इसके बीच में ये गोड़े हैं जो रई हैं, और वो पीछे आप खेत देख रहे हो वो रेड़ा का है। तो यार आप देख सकते हो ये रेड़ा है, ये रेड़ा कट चुका है, 2 दिन पहले काटा है इसको। ओ यार गाइस ये सूख चुका है बिल्कुल, इसमें से दाने निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ये सूख चुका है। अब इसको कल शायद इकट्ठा होगा, ये हमारा है शायद कल, अब इसको एक साथ यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा, फिर मशीन से काटा जाएगा। तो शायद कोशिश करूँगा कि मशीन में निकलता हुआ भी आपको मैं बताऊँगा, शायद आपको पता कैमरे के सामने हम जब आते हैं तो कैसी फीलिंग आती है। तो यार अभी टाइम हो रहा है 9 बज रही हैं, और वीडियो एडिट करना है, फिर सोना है। तो यार इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।